इस वीडियो में ये भी क्या हीलियम नियॉन लेज़र का पार्ट टू है, जिसमें हमने पहले वीडियो में हमने जो है प्रिंसिपल डिस्कस किया था। अब जो मेन पार्ट है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 4 लेवल सिस्टम डिस्कस किया, तो अभी इसी का ही सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। तो बेसिकली हीलियम नियॉन लेज़र क्या होती है बच्चे, एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है और उसके अंदर जो है क्या होता है, जिसका हमारे पास लेंथ 80 सेंटीमीटर होती है और उसका डायमीटर क्या है आपका 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो उसको हमने किससे फिल किया होता है बच्चे, हीलियम एंड नियॉन एटम से, और उसकी जो रेशो हम लेके चलते हैं दैट इज़ 5:1 से 10:1 तक होती है। यानी कि जो 10:1 से 5:1 से 10:1 का मतलब यहाँ पे ये है कि हीलियम जो है वो 10 में है और नियॉन उसमें क्या है 1 है, ठीक है। तो 10:1, तो यानी कि होता क्या है, एक हीलियम नियॉन लेज़र एक तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, डायमीटर हमें पता है, और इसके अंदर जो है हीलियम नियॉन की रेशो कितनी होती है 5:1 से आप 10:1 तक वेरी करती है। तो हम बेसिकली हम लेके जो चलते हैं अपने लेबॉरटरीज में, जो हम लेके चलते हैं दैट इज़ 7:1 लेके चलते हैं। उसके बाद क्या कह रखा है कि हीलियम नियॉन जो गैस है, अब देखो जब हम गैस को फिल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में तो उसका प्रेशर हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो जो जिस प्रेशर पे हम मेंटेन करके चलते हैं दैट इज़ 1 टोर और 0.1 टोर रिस्पेक्टिवली हम लेके चलते हैं। हीलियम का हम प्रेशर इतना लेके चलते हैं, नियॉन का 0.1 टोर लेके चलते हैं। तो 1 टोर का मतलब होता है 1 mm ऑफ HG। उसके बाद क्या कह रखा है, अब देखो हमने एक्टिव मीडियम हमने सेलेक्ट कर लिया, एक्टिव मीडियम यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, हीलियम नियॉन एटम्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो ट्यूब है इसके उसको हमने क्या किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया हुआ है और उसको हमने क्या किया हुआ, आगे हाई वोल्टेज सप्लाई की हुई है। तो हमने हीलियम नियॉन जो ये ट्यूब है इसको मैंने क्या किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड से मैंने कनेक्ट किया हुआ है और इसको मैंने क्या दी हुई है, हाई वोल्टेज मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। हाई वोल्टेज DC वोल्टेज मैंने दे रखी है। जो एंड्स होंगे ट्यूब के उसको मैंने सील किया हुआ है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी क्वार्ट्ज से मैंने स्टील वो किया हुआ है, इसको सील किया हुआ है और उसको उसको नाम दिया गया है दैट इज़ ब्रूस्टर विंडो। यानी कि जो इसके एंड्स होंगे इसको मैंने किससे सील किया हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी क्वार्ट्ज से मैंने इसको अच्छी तरह से सील किया हुआ है और इसको नाम दिया है ब्रूस्टर विंडो। अब हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें ऑप्टिकल पंपिंग यानी कि आपको वो कराना है रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर चूज़ करना है। तो वो क्या होते हैं, आपके मिरर्स होते हैं, तो लेज़र एक्शन कराने के लिए हमें मिरर भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि 2 हमने ऑप्टिकली कर्व्ड मिरर M1 M2 हमने जो है दोनों एंड्स पे हमने फिक्स की हुई है। तो M1 और M2 हमने क्या किया हुआ है, ये हमारी विंडो है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, 2 कर्व्ड मिरर, ठीक है ना, इस तरह की कर्व्ड मिरर हमने क्या कर रखे, फिक्स कर रखे दोनों एंड से, जिसमें एक को मैंने फुल सिल्वर कलर कर रखा है जिसका काम क्या है, फुली रिफ्लेक्ट करना, और एक को मैंने हाफ सिल्वर कर रखा है, दैट मीन्स क्या करेगा वो पार्शली रिफ्लेक्ट करेगा और पार्शली क्या करेगी, जो भी लाइट फॉल करेगी उसको ट्रांसमिट करेगी। तो ये दोनों जो मिरर्स हैं वो आपका क्या कर रही हैं, आपका रेजोनेंट कैविटी का काम कर रही हैं। तो ये वाली जो है दैट इज 100% रिफ्लेक्टिविटी और यहाँ पे क्या है 90% रिफ्लेक्टिविटी एंड 10% ट्रांसमिशन। तो ये जो मिरर है इनका जो डिस्टेंस है इन दोनों मिरर का हमने एडजस्ट किया हुआ है दैट इज λ/2। इन दोनों मिरर का जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ है दैट इज λ/2, ताकि रेजोनेटर का काम क्या होता है, जो भी वेव प्रोड्यूस हो रही है, रेजोनेंट वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो वो क्या कर सके, जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको सपोर्ट कर सके, उसको क्या कर सके, सपोर्ट कर सके, यानी कि डेवलप कर सके, एक तरह से इसके अंदर कंटेन कर सके। तो यहाँ पे जो भी वेव प्रोड्यूस होगी वो इसके अंदर रहेगी, मतलब ये कह सकते हो कंटेन रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक डायग्राम है। तो यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हमने RF सोर्स से DC सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, और ये मिरर्स हैं जो कि क्या काम कर रही है, आपकी ऑप्टिकल रेजोनेटर का काम कर रही है, एंड दिस इज़ ब्रूस्टर विंडो जिसको हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से हमने इसको सील किया हुआ है। तो यहाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से हीलियम नियॉन की आपको समझ में आएगी होगी। अब हम करते हैं मेन पोर्शन दैट इज़ वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र। अब हीलियम नियॉन लेज़र जो है बेसिकली मैंने आपको बताया था 4 लेवल पंपिंग स्कीम है, और जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन किसके बीच में होता है, Level 3 और Level 2 के बीच में होता है। तो हमने जो है क्या किया, हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर हमने DC वोल्टेज अप्लाई करी 10 kV। तो 10 kV जब हमने DC वोल्टेज अप्लाई करी, जो यहाँ पे डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है वो इसलिए कराया जाता है ताकि जो हीलियम नियॉन एटम्स हैं, ठीक है ना, जो मिक्सचर हमने लिया हुआ है वो क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी हायर स्टेट को छोड़ लोअर स्टेट को छोड़ के कहाँ जाएँ, हायर स्टेट में शिफ्ट हो। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने जो हीलियम नियॉन की हमने जो गैस ले रखी थी हीलियम नियॉन की, उसको हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा के, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी गैस में से अगर हम क्या करते हैं
इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गैस आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने का मतलब यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बच्चे, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम है वो अपने क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने हीलियम एटम लिया तो हीलियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है अपने में से निकाल देगा। ठीक है, तो हीलियम आयन्स बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे यही हुआ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया तो क्या हुआ, जो मिक्सचर था हीलियम नियॉन गैसेस का वो आयनाइज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स में हमें मिल गए। तो इलेक्ट्रॉन आयन्स को फर्दर हम क्या करते हैं, वो अपने रिस्पेक्टिव, हमने इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, दो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, एक एनोड का काम करेगा, एक आपका किसका काम करेगा, एक कैथोड का काम करेगा। तो पॉजिटिव आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ मूव करेंगे और एनोड कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव आयन्स कहाँ मूव करने शुरू हो जाएंगे आपके, एनोड की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे आगे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे हीलियम एटम्स के, वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या करेंगे, फर्दर हीलियम एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और हीलियम एटम्स को क्या कर देंगे, एक्साइट कर देंगे, और एक्साइट करने की वजह से आप क्या होगा, वो एक्साइट होके हीलियम एटम्स कहाँ चले जाएंगे आपके, 2s1 और 2s3 लेवल में। यानी कि हीलियम यहाँ पे जो एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने इतनी एनर्जी गेन कर ली है कि ये फर्दर क्या करेंगे, हीलियम एटम्स के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और जब ये कोलाइड करेंगे तो हीलियम एटम क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होके कहाँ चले जाएंगे, ये 2s1, 2, 3s1 और 2s1 लेवल के अंदर। और ये जो लेवल है दैट इज़ योर मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हीलियम की क्या है, मेटास्टेबल स्टेट्स है। तो हीलियम के साथ ये ग्राउंड स्टेट थी 1s1, और जैसे ही कोलाइजन होने के वजह से एटम्स जो है वो एक्साइट हुए इन दो लेवल्स के अंदर। अब आगे क्या होगा हमारे पास, ये जो प्रोसेस है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हीलियम ने क्या किया, एनर्जी गेन करी, एनर्जी गेन करी और क्या हो गए, वो एक्साइट हो गए, हीलियम जो है ग्राउंड स्टेट में, और ये क्या, हीलियम इन द एक्साइटेड स्टेट। अब बहुत सारे हीलियम एटम्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अब देखो इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन होगा तो बहुत सारे एटम्स जो होंगे हीलियम एटम एक्साइट होके इन दोनों लेवल्स में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम करंट पास करते जाएंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, बहुत सारे एटम्स जो हैं वो क्या होते जाएंगे, एक्साइट होके इनके अंदर कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है, यानी कि यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो काफ़ी देर तक रहेंगे, और यहाँ पे जब काफ़ी देर तक रहेंगे तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या होती जाएगी, इन दोनों लेवल्स के अंदर एटम्स की पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब हीलियम एटम है, अब देखो काफ़ी देर तक रहने के बाद हीलियम एटम को फर्दर क्या आना पड़ेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। तो जैसे ही हीलियम एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, जो नियोन के एटम्स हैं, हीलियम एटम जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे, आने से आएंगे जो एक्साइटेड हीलियम एटम होंगे, जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी जो है किसको दे देंगे, नियोन एटम को दे देंगे कोलाइड करके। तो हीलियम एटम जो एक्साइटेड हीलियम एटम जो थे, एक्साइटेड हीलियम एटम थे, जब इन्होंने अपनी एनर्जी किसको दे दी बच्चे, नियोन को दे दी। ठीक है ना, एक्साइटेड हीलियम एटम ने क्या करा, नियोन एटम्स के साथ कोलाइड किया और इसको अपनी एनर्जी दे दी। ठीक है, और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, टेक्स प्लेस बिटवीन व्हेन, तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र है ये तभी होगा जब जो एटम्स कोलाइड कर रहे हैं उन दोनों की, यानी हीलियम और नियोन एटम जब कोलाइड कर रहे हैं, इनकी क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। यानी कि अगर हीलियम का एनर्जी लेवल 2s1 है तो इसका भी एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एस, यानी कि एस लेवल दोनों का सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हीलियम एटम ने क्या किया, नियोन के साथ कोलाइड किया और इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा कि नियोन एटम भी क्या हो जाएंगे बच्चे, एनर्जी अक्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे देखो बच्चे, जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आए, इन्होंने क्या किया, नियोन एटम के साथ, यहाँ से नहीं, इसको यहाँ से नोट करो, ये जो ग्राउंड स्टेट में आए, जब ग्राउंड स्टेट में एटम आए तो इन्होंने क्या किया, एक्साइटेड एटम ने जब ग्राउंड स्टेट में आए तो इन्होंने नियोन के साथ क्या किया, कोलाइड किया। यानी कि जब एटम जो है एक्साइटेड एटम हीलियम आयन जो ग्राउंड स्टेट में आए, इन्होंने नियोन एटम के साथ कोलाइड किया। अब नियोन एटम जो है, इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल है, जब इनके साथ कोलाइड किया, नियोन ने क्या किया, एनर्जी ऑक्यूपाई करी, एनर्जी ऑक्यूपाई करी, ये फर्दर क्या हो गया, एक्साइट हो गया और 3s और 2s लेवल के अंदर इसने क्या किया, जंप किया, एक्साइटेड स्टेट में आया। देखो यहाँ पे लिखो कि जो हीलियम नियोन जो था, इसने क्या किया, एनर्जी अक्वायर करी और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जब उसने एक्साइटेड हीलियम एटम के साथ कोलाइड किया तो 3s और 2s के अंदर वो चला गया। उसके बाद हीलियम जो है फर्दर क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप तुम इस तरह से समझोगे इस चीज़ को
क्या, बस आपको ये याद रखना है कि हीलियम एटम ने, जब एक्साइटेड हीलियम एटम ने जो है न्यून के साथ कोलाइड करने के बाद इनको एक्साइटेड में भेज दिया और वो खुद कहाँ आ गया, अपना ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो जो हीलियम एटम का बेसिकली रोल यहाँ पे क्या है कि वो न्यून एटम्स को क्या कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, और क्या कर रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर रहा है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर रहा है। इस करके यहाँ पे जो हीलियम एटम है उसको सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज हीलियम एक्साइटेड एटम, हीलियम ने न्यूट्रल नियोन एटम के साथ कोलाइड किया और न्यूट्रल नियोन एटम को ग्राउंड स्टेट में अपनी एनर्जी का ट्रांसफर किया इन दोनों इसको, और वो कहाँ आ गया, अपना ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो ये क्या है, एनर्जी वैल्यूज हैं ऑफ नियोन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एंड इन द एक्साइटेड स्टेट। अब मैंने आपको ये बताया कि जो एनर्जी ट्रांसफर हीलियम से नियोन में ज़्यादा कब होगी, जब 10 हीलियम, देर आर 10 हीलियम एटम्स पर 1 नियोन इन द एटम गैस मिक्सचर। यहाँ पे ये कह रखा है कि मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कब होगी, जब क्या होंगे 10 जो है 10 हीलियम एटम किसके होंगे, एक नियोन एटम पे होंगे, जब 10 हीलियम एटम होंगे पर 1 नियोन एटम, तभी क्या होगा, हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्या होने चाहिए, आपके हीलियम एटम होने चाहिए एज कंपेरिजन टू योर न्यून एटम। ठीक है ना, यानी कि आप ये एनर्जी ट्रांसफर हीलियम टू न्यून एटम ज़्यादा कब होगी, जब 10 हीलियम एटम होंगे पर न्यून एटम। तो अगर रिवर्स ट्रांसफर करवा रहे हैं न्यून से हीलियम में, तो ये प्रॉबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है ना, तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा न्यून से हीलियम में, हीलियम से न्यून में ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आगे क्या कह रखा है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं 2s और 3s वाला मैटर स्टेबल है, और इन्होंने क्या किया, कोलिजन होने के बाद जो न्यून एटम जो थे उनकी एकदम से क्या हो गए, वो लोअर स्टेट से कहाँ चले गए, 2 एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और जिसकी वजह से क्या हो गया, जैसे ये न्यून एटम थे, जैसे ही ग्राउंड रिटर्न टू द, यहाँ पे पहले कह रहे न्यून एटम जब एक्साइट हुए, ठीक है, 2s और 3s लेवल में, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है इन दोनों लेवल के अंदर होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आप ये कह सकते हो कि न्यून एटम के जो ये वाले लेवल थे 3s और 2s लेवल, इसके अंदर क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, एंड देन द 3 लेवल ट्रांजिशन टेक प्लेस एज शोन। तो 3 लेवल ट्रांजिशन जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है कि इस तरह से जो है लेजर का जो है ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो नियोन के 3s और 2s लेवल थे, ठीक है, यहाँ पे क्या होने लगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हुआ। फर्दर जो है अब कुछ ट्रांजिशंस हमें समझनी पड़ेंगी, 3 लेवल ट्रांजिशंस, तीन तरह की लेवल लेज़र ट्रांजिशंस होती हैं, जिससे जिसकी वजह से जो है जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारे यहाँ क्रिएट हो जाता है, जब यहाँ पे एटम्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो उस केस में जो है 3 लेवल ट्रांजिशन होती है। एक लेवल ट्रांजिशन क्या होती है, 3s से 2p ट्रांजिशन, यानी कि 3s से 2p ट्रांजिशन, 3s से 2p ट्रांजिशन। तो इस ट्रांजिशन में क्या होता है, जो फोटोन है वो क्या करता है, ये ट्रांजिशन में क्या होता है, व्हेन अ फोटोन जंप्स फ्रॉम 3s टू 2p जनरेट्स अ लेजर बीम ऑफ रेड कलर विच लाइज इन द विजिबल रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 3s से जब 2p में क्या जाएंगे, जब लेज़र जो है वो थ्री, मतलब आप कह सकते हो जब ट्रांजिशन होगी 3s से 2p में, तो जो लाइट एमिट होगी, लेज़र लाइट एमिट होगी, वो रेड कलर की होगी, और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी आपकी, 632.8 होगी, और ये विजिबल रीजन के अंदर लाइक करेगी। उसके बाद क्या कह रखा है, और अगर ट्रांजिशन क्या हुई, 2s से 2p में ट्रांजिशन होती है, तो जब 2s से 2p में ट्रांजिशन होती है तब भी क्या होती है, लेज़र बीम में मिलती है, उसकी वेवलेंथ इस रेंज में लाइक करती है 1150 नैनोमीटर में, और यानी कि आप कह सकते हैं जब एक्साइटेड न्यून एटम जो है वो 2s से 2p में जंप करेगा, तब भी क्या करेगा बच्चे, फोटोन एमिट करेगा, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 1150 नैनोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, 3s से 3p में भी तो ट्रांजिशंस हो सकती हैं, तो जब एक्साइटेड न्यून एटम जो है 3s से कहाँ जाएगा, 3p में जाएगा। ये सारे बच्चे आपको पता होने चाहिए, न्यून क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3s, 3p, 2s, 2p और 1s, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। तो ट्रांजिशंस दिखा रहे हैं कि ट्रांजिशंस किस तरह से पॉसिबल है 3s से। अब देखो ट्रांजिशंस जो है वो हायर इस लेवल से इस लेवल में भी हो सकती है, इससे इससे और इस लेवल में भी हो सकती है। तो जब 3s से 2p लेवल में होंगी, तो उस केस में जो है वेवलेंथ जो एमिट होगी, दैट इज़ 3391.2 नैनोमीटर, और ये जो है फार इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो है लाइक करेगा। तो अभी तक हमें ये चीज़ पता लगी, तो जो 3p एंड 2p है वो क्या है, आपके टर्मिनल लेवल्स हैं। न्यून जो है फर्दर क्या होगा, बाकी ये बीच वाले लेवल्स, ठीक है ना, 3p और 2p जो है ये बीच वाले लेवल है, टर्मिनल लेवल्स आप कह सकते हो, ठीक है। और जो न्यून जो है फर्दर ट्रांजिशन कहाँ करेगा, 1s लेवल में शो करेगा। तो एक तरह से हमें जो लाइट एमिट होगी, जो हमें जब न्यून एटम जो है डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेंगे 1s लेवल में, तो हमें क्या मिलेगी, एक इनकोहेरेंट लाइट मिलेगी,
और जो इनकोरेंट लाइट होती है आपको पता है वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस की वजह से होती है। और इनकोरेंट लाइट में क्या होता है बच्चे, जो फेज़ होता है वो सभी जो वेव्स निकलती है उनका फेज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो लोअर लेवल जो है वो डीपॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा फास्टर देन द अपर मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे ये कह रखा है कि जैसे जैसे जो हमारा लोअर लेवल है, जो हमारा लोअर लेवल है वो जल्दी डीपॉपुलेट होगा, यानी कि जल्दी उसमें से एटम्स निकलेंगे, और देन अपर मेटास्टेबल स्टेट्स के अंदर, तो इस तरह से जो है हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन द लेजिंग लेवल्स एंड थ्रू आउट द टाइम ऑफ लेजर ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या रखा है, ये जो लेवल्स हैं यानी कि मेटास्टेबल लेवल, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एटम्स मैक्सिमम होने चाहिए 3s और 3p वगैरह में। लोअर लेवल जो हमारा डीपॉपुलेट जल्दी हो जाएगा, जल्दी से एटम जो है वो कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो जो है हमारा जो है लेवल क्या होगा, पॉपुलेट मतलब ईजियर, हम लेजर एक्शन ईजी रहेगा हमारे लिए। तो एटम जैसे ही जो हम ग्राउंड स्टेट पे इजीली आ जाएंगे, तो मतलब ये होना चाहिए नेसेसरी है कि जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट पे जल्दी आ जाएं, अदरवाइज जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ग्राउंड लेवल विल बी वी आल्सो गो ऑन डिमिनिशिंग एंड ले। तो ये भी हो सकता है, कई बार क्या होता है कि हमारे जो एटम्स हैं वो जल्दी कहाँ आ जाते हैं, अगर जल्दी नहीं आते ग्राउंड स्टेट में तो हमारे मतलब तो क्या हो जाता है कि ग्राउंड स्टेट में एटम कम होने शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से लेजर एक्शन दोबारा से बंद हो सकता है। तो ये एटम जो है जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएंगे, वो कैसे आएंगे कि वो कैसे, अब लेज़र जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में कैसे आएंगे, बाय कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ ट्यूब, ट्यूब की जो वॉल्स हैं ना उनके साथ कोलाइड करके वो कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो डिस्चार्ज ट्यूब हम नैरो लेते हैं ताकि जो प्रोबेबिलिटी एटॉमिक कोलिजन की वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, यानी कि वॉल्स के साथ जो है कोलिजन होने की जो पावर है वो जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो सके। तो आउट ऑफ द थ्री लेवल्स जो हमारे पास है, रेड लेवल इज़ टैप्ड एंड एम्प्लीफाइड। अब देखो इन तीनों में से हमने देखा ना तीन तरह की हमारे ट्रांजिशंस हो रही है, मेनली जो हमें विजिबल लाइट मिल रही है दैट इज़ ऑफ रेड कलर। तो आपने देखा होगा, अब जब मैं आपको हीलियम नियॉन एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कराया था उसमें आपने देखा था रेड कलर की लेज़र बीम हमें मिलती है, तो मेनली जो है रेड कलर की लेज़र बीम ही हम टैप करते हैं, उसी को ही हम एम्प्लीफाई करते हैं। और एम्प्लीफाई कैसे करते हैं, बाय जो मिरर है उनका डिस्टेंस एडजस्ट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसको हम कंटिन्यूसली मेंटेन कर सकते हैं, और जो भी हमें लाइट मिलती है वो भी कैसे मिलती है, कंटिन्यूस लाइट हमें मिलती है। तो हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो कंटिन्यूस वेव मोड में ऑपरेट करता है, और जो हमें लेबोरेटरीज में हम यूज़ करते हैं, और ये कैसी लेज़र होती है आपकी, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होती है, और इसका यूज़ जो है हम लेज़र प्रिंटिंग, बारकोड, मटेरियल प्रोसेसिंग इन सब में हम यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस गैस लेज़र की ओवर सॉलिड स्टेट लेज़र वो क्या रहेंगी आपकी, कि ये कंटिन्यूस बीम है, वो शॉर्ट पल्स बीम थी रूबी लेज़र वाली, ये हाईली मोनोक्रोमेटिक है, हाईली डायरेक्शनल है। और गैस लेज़र जो है वो क्या है, ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट बीइंग कूल्ड, और इसकी जो है स्पेक्ट्रल प्योरिटी भी जो होती है स्टिमुलेटेड रेडिएशन से ज़्यादा होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आज डिस्कस कर ली, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।